हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड डीबी में बहुत ही अच्छी वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें कौन कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा और इसमें दोस्तों जो एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। इस वैकेंसी से रिलेटेड हम आपको ए टू जेड जानकारी देंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। अगर दोस्तों आप चाहते हैं ऐसी सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए आप बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये कौन सी वैकेंसी है। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी न्यू वैकेंसी 2023। तो सबसे पहले आप इसकी बेसिक डिटेल को देखिए। इसमें दोस्तों जो फीस लगेगी ना, वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 100 रुपये फीस लगेगी। अगर दोस्तों आप एससी एसटी हैं तो आपकी यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। एज लिमिट भी आप यहाँ पर देख लीजिए, 18 से 22 साल के बीच में आपकी एज है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और हर वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, यानी एज में आपको छूट भी देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप एससी एसटी से हैं तो आपको एज में 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी, जो कि हर सरकारी नौकरी में आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अगर दोस्तों आप जीडी में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपके पास 10+2 यानी 12th होना चाहिए, और साथ में दोस्तों आपने 12th फिजिक्स और मैथ के साथ पास किया हो, तभी आप इसमें जीडी में फॉर्म डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपने 12th किसी और सब्जेक्ट से कर लिया है, आर्ट्स से कर लिया है, तो आप जीडी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने साइंस से भी किया है और फिर भी आपके पास मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, अगर दोस्तों आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरी वैकेंसी है, वो है डीबी, जिसका फुल रूप होता है डोमेस्टिक ब्रांच। इसमें दोस्तों आपने सिंपल 10th पास कर लिया है ना, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई भी इसमें परसेंटेज का इशू नहीं होता है, आपके कितने भी परसेंट मार्क्स हैं इसमें कोई इशू नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, वो आप लोगों का डाउट होता है ना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका पीटी होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ये दोस्तों आपका सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। अब दोस्तों आप फिजिकल एलिजिबिलिटी को भी आप यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों इसमें जो रनिंग होगी ना, वो 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट में, 10 आपके यहाँ पर उठक बैठक। उठक बैठक दोस्तों आप जानते हैं ना, स्कूल कॉलेज में बहुत टीचर सारे लोग करवाते रहते हैं। आप लोगों ने अगर उठक बैठक लगाए हैं तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों हाइट की बात करें ना, तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 157 सेंटीमीटर नॉर्मल सभी की होती है, यहाँ तक कि फीमेल की भी 157 हो जाती है, तो आपको हाइट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर रिटन एग्जाम का सिलेबस भी देख लीजिए। इसमें दोस्तों 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट का समय दिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसमें दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लीजिए। मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, जीके से 5 क्वेश्चन। टोटल यहां पर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स की 45 मिनट का समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों आपको अंधा तुक्की भी लगा देना है, नेगेटिव मार्किंग जिसमें नहीं होती है तो उसमें दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों आपके मार्क्स यहाँ पर नहीं कटेंगे। अगर दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो क्वेश्चन आपको अंधा तुक्की में लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सेशन टू, इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लीजिए। मैथ से 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन। ये दोस्तों दो किसके लिए है, जो स्टूडेंट जीडी में फॉर्म अप्लाई करेंगे, और जो दोस्तों डीबी में अप्लाई करेंगे उनके लिए आपका ये सिलेबस है। अगर आप जीडी में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपके यहाँ पर मैथ और फिजिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितने लाने होंगे जिससे आपका यहाँ पर चयन हो जाए। दोस्तों अगर आपने जीडी में फॉर्म अप्लाई किया है तो दोस्तों आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको यहाँ पर 50 मार्क्स लाने होंगे, यानी 30 इसमें से और 20 इसमें से, 50 मार्क्स लाएंगे तभी आपका यहाँ पर चांस है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप एससी एसटी से हैं तो आप यहाँ पर 45 मार्क्स आपको लाने होंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपने फॉर्म डीबी में अप्लाई किया है तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 30 मार्क्स लाने होंगे, यानी 60 में से मिनिमम 30 मार्क्स आपको लाने ही होंगे। अगर दोस्तों आप एससी एसटी हैं तो आपको यहाँ पर 27 मार्क्स लाने होंगे। इतने से काम नहीं चलने वाला है, आप अच्छा से अच्छा स्कोर गेन करिए तभी आपका यहाँ पर चयन होने वाला है।
अब दोस्तों बात करते हैं इसके फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट होंगे। आप लोगों का डाउट होता है ना कि फॉर्म कब से इसके स्टार्ट होंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके फॉर्म जो होंगे ना वो 1 तारीख से 5 तारीख यानी सितंबर में इस अगले महीने में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो दोस्तों आप अभी से तैयारी में अच्छे से लगे रहिए क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, वैकेंसी आपको यहाँ पर 1 से 5 तारीख के बीच में आपको 100% देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट कितने निकलते हैं, दोस्तों इसके हर बार पोस्ट तो काफ़ी कम निकलते हैं, तो दोस्तों इस बार भी 1000 से 1500 के बीच में यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकलेगी। तो दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपका अब भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।